अगर आप लंबे समय से किसी बीमारी से परेशान हैं, या फिर ग्रह बाधा और शत्रु बाधा आपको जीने नहीं दे रही, तो आपके लिए ये मौका बेहद खास है। ये वो मौका है जब आप कुछ उपाय कर अपनी सारी बलाओं से छुटकारा पा सकते हैं, सारी समस्याओं से चुटकी बजाते ही मुक्ति पा सकते हैं। धर्म के जानकारों के अनुसार वो खास दिन काल भैरव जयंती है, जो मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाई जाती है, जिसे काल अष्टमी भी कहा जाता है। इस दिन लोग व्रत रखते हैं और विधि पूर्वक काल भैरव संग शिव पार्वती की पूजा करते हैं। कहते हैं कि इस दिन अगर आपने कुछ खास उपाय कर लिए तो आपकी कामना जरूर पूरी होती है, बस तिथि और मुहूर्त का खास ध्यान रखना होता है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार 4 दिसंबर को रात 9:59 से मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि प्रारंभ हो रही है। इस तिथि का समापन 5 दिसंबर की देर रात 12:37 पर होगा। ऐसे में उदय तिथि और निशिता पूजा मुहूर्त के आधार पर काल भैरव जयंती 5 दिसंबर मंगलवार को मनाई जाएगी। यानी अगर इस खास मुहूर्त पर आपने कुछ उपाय कर लिए तो सारे दोष खुद ब खुद खत्म हो जाएंगे, सारे भय से आप मुक्त हो जाएंगे। धर्म के जानकारों का कहना है कि आज के दिन भगवान शिव की पूजा आराधना का बड़ा महत्व है, क्योंकि काल भैरव शिव के ही रौद्र रूप है। तो आपने इस दिन अगर भोले को प्रसन्न कर लिया तो काल भैरव खुद ही आप पर मेहरबान हो जाएंगे। आज के दिन कुछ भी उपाय करने से पहले खुद को शुद्ध करें, उसके बाद कामनाओं के अनुसार उपाय करें। अगर घर में धन की कमी है या बीमारी से हाल बेहाल है तो आज के दिन 21 बेलपत्रों पर चंदन से ओम नमः शिवाय लिखकर शिवलिंग पर अर्पित करें। अगर आपके पास बेलपत्र ना हो तो मंदिर में चढ़ाएं, बेलपत्र को साफ कर उसे नियम अनुसार शिवलिंग पर चढ़ाएं। अगर आप मंदिर नहीं जा सकते तो घर पर ही आप शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ा सकते हैं। अगर शिवलिंग घर पर नहीं रखते हो तो तुलसी के गमले के पास मिट्टी से शिवलिंग बनाकर आप बेलपत्र अर्पित कर सकते हैं। धर्म के जानकार कहते हैं काल अष्टमी के दिन ये उपाय करने से सारे रोग खत्म हो जाते हैं, भय और सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। यही नहीं, अगर पैसों की दिक्कत है तो ये उपाय बेहद कारगर है। धन के सारे रास्ते खुल जाते हैं और घर धन से भर जाता है। अगर आप कोर्ट कचहरी या प्रॉपर्टी से जुड़ी समस्याओं से परेशान हैं, तो ये मौका आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। आज के दिन शमी के पौधे के पास शाम के समय एक सरसों का तेल का दिया जलाएं और पेड़ की जड़ों को छूकर वहां से मिट्टी लेकर उसे माथे पर लगाएं। कहते हैं ऐसा करने से जिंदगी बदल जाती है, सारे कष्ट खुद ब खुद दूर हो जाते हैं। धर्म के जानकारों के अनुसार बाबा भैरवनाथ को नारियल और जलेबी बहुत पसंद है, इसीलिए आज के दिन बाबा भैरवनाथ के मंदिर में अगर दीप जलाएं, साथ में नारियल और जलेबी का भोग लगाएं तो भोले बहुत प्रसन्न होते हैं और भक्तों की अकाल मृत्यु का खतरा टल जाता है। कहते हैं काल भैरव के सवारी काले कुत्ते होते हैं, इसीलिए उन्हें आज के दिन अपने हाथ से दूध पिलाएं, या नहीं तो काले कुत्ते को रोटी पर हल्की सी सरसों तेल लगाकर खिला दें। ऐसा करने से काल भैरव प्रसन्न होते हैं और हर तरह के भय से मुक्त कर देते हैं। और अगर आप शत्रु से परेशान हैं, बिना वजह वो आपको जीने नहीं दे रहे, तो काल भैरव जयंती के दिन सुबह स्नान करें और साफ वस्त्र धारण करें और महाकाल भैरव नमः मंत्र का 5 माला जाप करें। इस मंत्र के जाप से शत्रु पर विजय पाया जा सकता है, भविष्य में होने वाली तमाम दिक्कतों से छुटकारा पाया जा सकता है। काल भैरव जयंती यानी काल अष्टमी पर किए गए ये 5 उपाय आपकी जिंदगी संवार सकते हैं। कैसी लगी आपको हमारी ये जानकारी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी धर्म कर्म से जुड़ी तमाम जानकारियों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा डिजिटल चैनल और देखते रहिए न्यूज़ नेशन स्तुति।